एक मजदूर परिवार में जन्म लेकर और एक मजदूर रहते हुए इस मुकाम तक पहुंचा हूं। जो भी पद मुझे मिला उसमें कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की शक्ति जरूर प्राप्त है। जिस तरह झारखंड में 5 साल हमने बेदाग और ईमानदार सरकार चलाया, वहाँ भी बेदाग एक राज्यपाल का जो दायित्व होता है उस दायित्व को सरकार के साथ तालमेल करके बनाओ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम इंडिया संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर राज्य का विकास के साथ साथ देश का विकास, वो भूमिका मैं निभाने का काम करूँगा। ये जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया उस मंत्र के अनुसार और अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करूँ। राज्य का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। अभी हमारे साथ हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और अभी वर्तमान के जो उड़ीसा के गवर्नर, पहले तो आपको बधाई गवर्नर का, क्या बोलेंगे इस पे, क्योंकि इतना बड़ा पद ये बहुत बड़ी सम्मान की बात होती है। नहीं, मैं इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने एक मजदूर को न सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल झारखंड की जनता की सेवा करने का सौभाग्य दिया, बल्कि एक मजदूर को अब संवैधानिक पद का दायित्व भी निभाने का मौका दिया। इसके लिए मैं अपने तीनों नेताओं के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनकी उम्मीद पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम इंडिया संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर राज्य का विकास के साथ साथ देश का विकास, वो भूमिका मैं निभाने का काम करूंगा। एक मजदूर उसके बाद मुख्यमंत्री का पहला, यानी 5 वर्ष पहले झारखंड के इतिहास में रचा और अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर का पद मिल रहा है, तो किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से आगे का काम रहेगा? नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक मजदूर परिवार में जन्म लेकर और एक मजदूर रहते हुए इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो मैंने पूर्व में कहा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम इंडिया के तहत संघीय ढांचे मजबूत हो, राज्य और केंद्र मिलकर हम राज्य का विकास करें, क्योंकि राज्य का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो ये जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया उस मंत्र के अनुसार और अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह करूंगा। माँ दुर्गा का किस तरीके से, क्योंकि शारदीय नवरात्रा चल रहा है, माँ दुर्गा का यहाँ पे आराधना करें और आपको इतना बड़ा पद? देखिए, जो माँ नवरात्र का पर्व है, दुर्गा पूजा है, ये शक्ति और उपासना का पर्व है और इस नवरात्र में हम शक्ति का संचय करते हैं। तो निश्चित रूप से जो भी पद मुझे मिला उसमें कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की शक्ति जरूर प्राप्त है और माँ की शक्ति से ही मैं संवैधानिक पद का दायित्व पूरी ईमानदारी पूर्वक, जिस तरह झारखंड में 5 साल हमने बेदाग और ईमानदार सरकार चलाया, वहाँ भी बेदाग एक राज्यपाल का जो दायित्व होता है उस दायित्व को सरकार के साथ तालमेल करके बनाऊँ। झारखंड से अलग है उड़ीसा राज्य, क्या बोलेंगे इसको, क्योंकि थोड़ा नहीं, झारखंड उड़ीसा में कोई अंतर नहीं है। यहाँ का भौगोलिक स्थिति देखिए, रहन सहन देखिए, भाषा देखिए, उड़ीसा भी खनिज संपदा से परिपूर्ण, झारखंड भी खनिज संपदा से परिपूर्ण, तो दोनों राज्य में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपने सुना कि अब जिन्होंने ये 5 साल मुख्यमंत्री का पद जो दागदार तरीके से निभाया, वहीं पे अब इनका कहना है कि राज्यपाल जो मैं बन रहा हूँ उसे भी बखूबी अच्छे तरीके से निभाऊंगा, और ये इस तरीके से इनका कहना है और वो अब जो है उड़ीसा के राज्यपाल बनने जा रहे हैं जमशेदपुर से लाल जी 22 को। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर।